हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है धीरज बघेल और आप देख रहे हैं फिटिक्स। आज मैं आपके लिए फिर से कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आया हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बढ़ते हैं पहले न्यूज़ की तरफ। जैसा कि आप सबको पता है कि लता मंगेशकर का अभी फिलहाल देहांत हो चुका था और उनके फ्यूनरल में काफ़ी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और नेता आए थे, जिसमें शाहरुख खान भी आए थे। लेकिन उनके वहाँ आने से एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। दरअसल शाहरुख खान और उनकी पत्नी जब लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, तब शाहरुख खान ने मास्क उतारकर वहाँ पर कुछ किया था, जिसके बाद सारे लोग यही सोच रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पर थूका था। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं उन्होंने वहाँ पर फूका था। तो ये कंट्रोवर्सी अब काफी बड़ी हो चुकी है। शाहरुख खान के फैंस कह रहे हैं कि उन्होंने फूका था और ये मुस्लिम रिलीजन में एक प्रथा होती है, लेकिन वही कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वहां पर थूका था। तो गाइज, आप कमेंट करके बताना कि उन्होंने वहां पर फूका था या थूका था। और गाइज, मैं अपनी राय बताऊं तो उन्होंने वहां पर फूका ही होगा, क्योंकि वो लता मंगेशकर का काफी ज्यादा सम्मान करते थे और शायद मुस्लिम रिलीजन में ऐसी कोई प्रथा होती होगी। तो अगर आप में से किसी को रियलिटी पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। और अमित भड़ाना ने अभी फिलहाल में एक फिल्म बनाई है जो कि वो काफ़ी पार्ट्स में यूट्यूब पर डालेंगे, जिसका नाम है अमित भड़ाना LLB। तो उसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है जो कि 57 मिनट का है। और अभी उन्होंने रिसेंटली एक फ़ोटो डाली जिसमें वो राजपाल यादव के साथ नज़र आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि दोनों शूट कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी वो फोटो अपने इंस्टाग्राम पे लगाते हुए लिखा, चलो यहाँ तक भी आ गए। तो इसका मतलब अमित भड़ाना LLB सेकेंड पार्ट में हमें राजपाल यादव भी नज़र आएंगे। तो गाइस, बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। क्रिकेट इंसान ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर उनकी नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड कुछ क्लिप्स डाली जिसकी वो शूटिंग कर रहे हैं, और वो देखने से ऐसे लग रही है कि वो कोई रोस्ट वीडियो नहीं, स्केच वीडियो ही है। तो गाइस, बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। OTT प्लेटफॉर्म पर एक शो आने वाला है जिसका नाम है लॉकअप। और खबर ये भी आई है कि उस शो में अवनीत कौर, अनुष्का सैन, मिस्टर फैजू, हर्ष बेनीवाल और भी कई सारे लोग कंटेस्टेंट होंगे, और ये शो 27 फरवरी को MX प्लेयर और ALT बालाजी पर स्ट्रीम होगा। तो गाइस, बढ़ते हैं अपनी अगले न्यूज़ की तरफ। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि सौरभ जोशी के पास एक बड़े बॉलीवुड एक्टर का मैसेज आया था, लेकिन उन्होंने उसका नाम रिवील नहीं करा। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो एक्टर आशीष विद्यार्थी हैं। आशीष विद्यार्थी को आपने बहुत सी मूवीज और शो में देखा होगा, वो ज़्यादातर विलन्स का रोल ही करते हैं और बहुत बड़े एक्टर हैं, क्योंकि सौरभ जोशी ने उन्हें फॉलो कर रखा है और उन्होंने भी सौरभ जोशी को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा है और उनका भी यूट्यूब पर एक व्लॉग चैनल है। तो इसके चांस ज़्यादा है कि वो एक्टर आशीष विद्यार्थी ही होंगे। तो गाइस, बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। दरअसल कैरी मिनाटी जब अपने चैनल पर कल लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो किसी ने चैट में कहा कि गरीब की एक शायरी हो जाए, तब कैरी मिनाटी ने गरीब से एक शायरी बोलने को कहा, तो उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन शायरी बोली। ये शायरी तो नहीं है, ये एक पोएट्री है। तो आप देखिए वो पोएट्री क्या थी और उस पर कैरी मिनाटी का रिएक्शन भी देखिए। डॉट दे दो और गरीब से एक प्यार भरी शायरी फॉर अस प्लीज। गरीब, क्या तुम सुनाना चाहोगे कुछ? मेरे पास है वैसे तो, बट लंबी है वो। एंड इट्स अबाउट लाइक, मतलब होता है ना कि मेरे खुद का मैसेज है मेरे अडल्ट सेल्फ के लिए, मतलब मेरा यंग सेल्फ टू माय अडल्ट सेल्फ। अच्छा, हाँ, कि तो हाउ कैन बी आइडियल डैड वाली चीज सब कर दो प्रस्तुत। हाँ जी, तो ये उससे कहता है एक आइडियल डैड के ऊपर है कि मैं अच्छा बेटा ना सही, अच्छा बाप बनना चाहूंगा, मैं अपने बचपन से सीख लेकर उसका बचपन संवारना चाहूंगा, मेरे साथ हुई किसी गलती को दोहराना नहीं चाहूंगा, मैं उसे समाज के बंधनों में नहीं बांधूंगा, मैं अपनी इज्जत के लिए उसकी खुशियों को नहीं काटूंगा, मैं उसकी इच्छाओं को अच्छे नंबर्स के साथ नहीं जोड़ूंगा, मैं उसकी आज़ादी को दूसरों की गलतियों पर नहीं बांधूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे बिगाड़ दूंगा, उसके हर गलती पर उसे डांटने से पहले सही गलत का मतलब ज़रूर समझाऊंगा, उससे सॉरी नहीं बुलवाऊंगा पर उसे सॉरी फील ज़रूर करवाऊंगा, उसकी माफ़ी से ज़्यादा उसका सीखना ज़रूरी है ये समझाऊंगा, उसके हर बार गिरने पर उसे नहीं उठाऊंगा, उसे अपने पैरों पे खुद खड़ा होना सिखाऊंगा, उसे मैं अपनी जात ज़रूर बताऊंगा पर उससे वो बड़ा या छोटा नहीं हो जाता ये भी समझाऊंगा, उसे अपने धर्म के बारे में भी सिखाऊंगा और उसे दूसरे धर्मों के बारे में भी बताऊंगा, उसे अंधविश्वास और विश्वास में अंतर समझाऊंगा, हो सकता है मैं कहीं जगहों पर गलत हो जाऊंगा, उसे अपनी सोच से सही और गलत को पहचानना बताऊंगा, मैं अच्छा बेटा ना सही, अच्छा बाप ज़रूर बनना चाहूंगा, मैं उसकी हर ख्वाहिश पर महंगाई का टैग नहीं लगाऊंगा पर उसके हर एक रुपए की कीमत जरूर समझाऊंगा, मैं उसे दूसरों की इज्जत करना तो सिखाऊंगा पर उसे सेल्फ रिस्पेक्ट की अहमियत भी बताऊंगा, मैं उसे खुद का अच्छा सोचना बुरा नहीं है ये बताऊंगा पर किसी का बुरा करके खुद का अच्छा सोचना बहुत बुरा है ये भी समझाऊंगा, मैं अच्छा बेटा ना सही, अच्छा बाप जरूर बनना चाहूंगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है।
क्या पूरा तुमने तो उपन्यासी खोल दिया तुमने तो पूरा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो के साथ मिलता रहूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।